अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से नेशनल हॉस्पिटल को लेकर। नेशनल हॉस्पिटल में एक मरीज गले में बड़ी गठान लेकर आई। गठान काफी सालों से थी और अब सांस लेने और खाना खाने में दिक्कत हो रही थी। जांचों में पता चला कि यह एक थायराइड की 15 सेंटीमीटर बड़ी गठान थी जो कि सांस की नली को टेढ़ा कर चुकी है। इसका ऑपरेशन डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला कैंसर सर्जन ने किया। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि लंबे समय से थायराइड की गठान होने पर वह कैंसर का रूप ले सकती है, पर साथ ही कई बार बिना कैंसर में तब्दील हुए इतनी बड़ी हो जाती है कि सांस लेने, खाना खाने एवं बोलने में परेशानी कर सकती है। इसलिए 4 सेंटीमीटर से बड़ी सारी थायराइड की गठानों का ऑपरेशन अनिवार्य है। समय रहते यह ऑपरेशन कराने से जानलेवा होने के खतरे से बचा जा सकता है। ज्ञात हो कि जटिल और कैंसर के ऑपरेशन कर अपनी सेवाएं डॉक्टर शुक्ला हर माह के प्रथम रविवार को नेशनल हॉस्पिटल में पिछले 8 महीनों से दे रहे हैं। नेशनल हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल ने डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला और समस्त टीम को इस कठिन और दुर्लभ ऑपरेशन के लिए शुभकामनाएं दी तथा मरीज एवं उनके परिवारजनों को उनकी बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा कर ऑपरेशन के बारे में समझाया। यह भी बताया कि मरीज अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।